नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 53,67,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, 22,21,000 रिकवर हुए हैं, 3,42,000 की अब तक मौत हो चुकी है। देश में अब तक 1,31,103 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 54,298 रिकवर हुए हैं, 3,865 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 6,371 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 3,267 अब तक रिकवर हुए हैं, 281 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें निमाड़ की तो निमाड़ में अब तक 646 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, 352 रिकवर हुए हैं, 32 लोगों की अब तक मौत हुई है। शनिवार निमाड़ के लिए अच्छा नहीं रहा। इस दिन बुरहानपुर में 58, खंडवा में 9 और खरगोन में 1 नया पॉजिटिव प्रकरण निकलकर सामने आया है। इस तरह इस दिन कुल 68 नए पॉजिटिव मरीज यहां पर सामने आए हैं। सोमवार को मनाई जाएगी देश भर में ईद। आज बोहरा समाज ने मनाया त्यौहार। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े पर्व ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं शिया दाऊदी बोहरा समाज द्वारा पूरे विश्व में शनिवार को ईद मनाई गई, जहां लॉकडाउन के तहत बोहरा समाज ने पूरे विश्व में सरकारी नाम्स का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने धर्मगुरु सैयदना साहब के दिशा निर्देश में घर में ही इबादत की। वहीं शहर काजी सैयद निसार अली ने समाज के लिए एक ज़रूरी ऐलान जारी किया है। उन्होंने समाजजनों से कहा, चूँकि कोविड-19 महामारी के चलते देश और दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बीमारी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, हमें भी इन नियमों का पालन करते हुए घरों में ही ईद मनाना है। ऐसे ही निर्देश जमीयत उलमाए हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना मशहूद इकबाल कासमी ने भी जारी किए हैं। प्रशासन ने सभी धर्म स्थलों को फिलहाल बंद रखे जाने के आदेश जारी किए हैं। खंडवा में फिर निकले 9 कोरोना पॉजिटिव, एक नई मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा हुआ 11। खंडवा में शनिवार को फिर 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि शनिवार को 45 रिपोर्ट निगेटिव तथा 9 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 8 पॉजिटिव मरीजों को खंडवा के कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 1 पॉजिटिव मरीज भोपाल में भर्ती है। इन्हें मिलाकर कोविड केयर सेंटर खंडवा में अब कुल 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को 13 संदिग्ध मरीजों के नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 288 सैंपल्स की जांच की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिले में शुक्रवार रात को कुल 10 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। इस तरह अब तक कुल 147 कोरोना संक्रमित मरीजों को संक्रमण मुक्त होने पर जिला अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा अब 11 हो गया है। बुरहानपुर में एक ही दिन में निकल के आए 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 26 तक बढ़ाया कर्फ्यू। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण अब भी तेजी से फैल रहा है। शनिवार को यहां 58 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। नए संक्रमितों को मिलाकर यहां कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 272 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा यहां पर अब भी 13 पर स्थिर है। नए संक्रमितों में अधिकांश नागझिरी, सिंधीपुरा, रास्तीपुरा, प्रतापपुरा, डाकवाड़ी, आलमगंज, दाऊदपुरा, जयस्तंभ, शनवारा, बुधवारा, तिलक चौराहा, सिंधी बस्ती, आलमगंज, पाटीदार कॉलोनी के साथ ही नेपानगर तहसील से पहली बार प्रकरण सामने आए हैं। थोकबंद रूप से नए संक्रमित सामने आते ही प्रशासन ने कर्फ्यू की अवधि को 2 दिन और बढ़ा दिया है। रात 12 बजे तक बढ़ा दी है। खरगोन में 1 नया पॉजिटिव मरीज, 1 कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ा। खरगोन में पिछले 24 घंटे में 174 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट तथा 2 सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जबकि 18 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब भी 90 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले 24 घंटे में 1 नया कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। अब जिले में कुल 12 कंटेनमेंट एरिया घोषित हैं। जिले में कुल 115 व्यक्ति संक्रमित है, इनमें से 89 स्वस्थ हो चुके हैं, 8 की अब तक मौत हुई है तथा 18 मरीज अब भी स्थिर हैं। खरगोन रेड से ग्रीन जोन में आने के बाद जिला प्रशासन अब व्यवस्थाएं जुटाने में लगा हुआ है।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर खंडवा में 2185 वाहन चालकों के विरुद्ध हुई कार्रवाई। खंडवा जिले में जारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा नागरिकों से घर से बाहर न निकलने की अपीलें की जा रही हैं। इस सब के बावजूद वाहन चालकों द्वारा शासकीय निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया, अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 2185 वाहन चालकों के चालान बनाए जा चुके हैं। वाहन चालानी कार्रवाई में 6,27,000 रुपये वाहन चालकों से वसूल किए गए हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत 296 लोगों के विरुद्ध कुल 170 आपराधिक प्रकरण बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया, जिले में धारा 151 के तहत 95 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले 22 बदमाशों के विरुद्ध 8 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। लोगों के दर्द से करा उठा खंडवा शहर, मदद के लिए बढ़े सैकड़ों हाथ। गुरुवार को खंडवा से गुजरने वाली ट्रेनों में सवार मुसाफिरों द्वारा भोजन और पानी की लूटपाट की खबरों ने शहर को दहला दिया है। शहर में अब हर व्यक्ति इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खंडवा से गुजर रहे मजदूर परिवारों की मदद के लिए आगे आया है। शनिवार को सुभाष बंसल मेमोरियल ट्रस्ट संचालित करने वाले MG गोल्ड ऑयल के निर्माता कंपनी ने 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था स्टेशन पर ही करा दी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक अंगों की कार सेवा लेकर ट्रेन में सवार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। MG गोल्ड के सुनील बंसल ने बताया, मजदूरों द्वारा भोजन के पैकेट और पानी लूटने की खबर ने सभी को विचलित कर दिया था। वहीं पुलिस के जवान आरक्षक महेंद्र वर्मा सुरक्षा की ड्यूटी पर स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने जब भूख से भिलकते बच्चों को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपने साथियों के साथ पहुंचकर करीब 100 लीटर दूध की व्यवस्था की और स्टेशन पर इन बच्चों के लिए दूध वितरित किया। सिंधी समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया, शनिवार को समाज के युवाओं ने 1200 बोतल पानी का यहाँ पर वितरण किया। ट्रेन में हुआ बेटे का जन्म, लॉकडाउन यादव रखा नाम। मुंबई से उत्तर प्रदेश जा रही ट्रेन में सवार महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद ट्रेन को बुरहानपुर में रुकवाया गया। यहां GRP ने व्यवस्था कर महिला को जिला अस्पताल में पहुंचाया। यहां महिला ने बालक को जन्म दिया, जिसका नाम माता पिता ने लॉकडाउन यादव ही रख दिया। यहां तक नवजात को वापस ट्रेन में ले जाने में दिक्कत होने पर कलेक्टर खुद मदद के लिए आगे आए और नवजात और उसके माता पिता को निजी वाहन की व्यवस्था कर उनके गंतव्य की ओर भिजवाया। उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर निवासी रीता यादव अपने पति व करीबी रिश्तेदारों के साथ सफर कर रही थी। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें वाहन की व्यवस्था कर बच्चे के लिए कपड़े, भोजन, पेय पदार्थ व सहायता राशि के रूप में कलेक्टर ने 5,000 रुपये नगद राशि उनके हाथ में सौंपी। जिला प्रशासन ने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ परिवार को वाहन में बिठाकर रवाना किया। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से खदेड़ रहे टिड्डी के दलों को। प्रदेश में इन दिनों टिड्डी दलों ने हमला किया हुआ है। उप संचालक कृषि RS गुप्ता ने बताया, खंडवा जिले में टिड्डी दल से निपटने के लिए ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कीटनाशक दवाओं को छिड़काव कर उन्हें खदेड़ा जा रहा है। साथ ही केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल द्वारा भी पृथक से कीटनाशकों को छिड़काव किया जा रहा है, जिसके प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर अनुभाग स्तर पर भी निगरानी दल गठित किए गए हैं। राज्य स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा चुका है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07552558823 है। जिला स्तर पर किसान 07332223234 नंबर पर टिड्डी दल की सूचना प्रशासन को दे सकते हैं। दिव्यांगों के चेहरे पर उस समय आई मुस्कान जब KDSS ने दिया उन्हें महीने भर का। खंडवा डायोसिसन सोशल सर्विसेज KDSS खालवा ब्लॉक के 20 गांवों में दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं के लिए काम कर रहा है। KDS द्वारा खालवा ब्लॉक के देवली कला, सरमेसर, चिकतलई, देवली खुर्द, इंद्राखेड़ा, डोंगालिया सहित करीब 1 दर्जन गाँव के 75 दिव्यांग युवा और बच्चों को राशन सामग्री का वितरण कर रहा है। KDSS के डायरेक्टर फादर जैन अलेक्स ने बताया, इस राशन सामग्री में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1.5 किलो दाल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 0.5 लीटर तेल, 2 बिस्किट के पैकेट, 1 किलो नमक, 5 मास्क और 2 साबुन शामिल हैं।
जावर में भारी विरोध के बाद बंद हुआ बांध निर्माण का कार्य। जावर में ठेकेदार द्वारा मनमाना तरीके से किए जा रहे डैम निर्माण के काम का विरोध करने जनप्रतिनिधि भी आगे आए हैं। विधायक प्रतिनिधि हरीश सेन, ग्राम पंचायत के पंच दिलीप यादव, अनुराग नामदेव, मोनू गुप्ता, राहुल चौरे व अन्य ग्रामीणों ने गुणवत्ता को देखते हुए काम को बंद कराने की मांग की। यहां निर्माण कार्य में लगे कुछ लोगों ने पंच दिलीप यादव को देख लेने की धमकियां भी दी। बताते चलें, इस चेक डैम का निर्माण रेवासी मोहल्ले के बिल्कुल पीछे किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने विधायक देवेन वर्मा को भी इस काम की जानकारी दी है। भारी विरोध के बाद ठेकेदार ने शनिवार को बांध निर्माण का काम फिलहाल रोक दिया है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब खैर।